हूं तू इस तरह कर कि परचा मेरे वालों लिख, असगरा मेरा मुजारा सी ते उन्हें कतल कर देता है। परचा किन्दे खिलाफ कटना है? हाँ ऐ करया कर, परचा वैसे आज की फसल तो बड़ी चंगी हुई है। हाँ बहुत चंगी फसल रही है और बहुत ही बेहतर रही है। ते बाबू खावर होने किधर ने? उधर ही है गने ढेर ढेर तो ही ने। हाँ जी ओए ओए की चीज आन रही है और लगता है कोई शहरों मार खा गए पिंड ला रहे हैं। चलाक है तो पता ही करी कौन है किधरों आया है। ओए आहो ते और नहीं साडे पिंड च की लैन आया। ओए कौन है ते किधर आया है? अस्सलाम वालेकुम भाई जान। पहले जड़ी तेन गल पूछी है ओदा जवाब दे। मैं कुछ समझा नहीं। समझा दी फिर तेन भाई जान। मैं एक शरीफ आदमी हाँ ते मेहनत मजदूरी करके अपना वक्त पास करना वा। इत्थे पिंड की फैक्ट्री लगी जड़ी तू मेहनत मजदूरी करना आया? लगी ते नहीं पर लग जाएगी। ओए कौन लुआ के देगा तेन फैक्ट्री? बाऊ खबर आया 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 किड्डी सोहनी गल कीती हो मेरे अंगो लै के घुमा लिया। हां खबर ते नवीन कोर है। चल जरा चौधरी शफीक नु जाके सुनाइए। हाय तू नाल नौकरी पक्की करिए। आहो चल फिर बे। ओ नहीं यार हां पैदल ही चलने। चल आप पता नहीं कदों मेरे कन्ना च तुहाडी हां दी आवाज आएगी। तुहाडी ना सुन सुन के मैं थक्या वां। जी मैं चाहवां तां तुहानू जिंदगी भर लई इस कमरे च बंद कर सकदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅਡਾਰੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਉਡੋ ਜਿੰਨਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। मैं इस उम्मीद च रहूंगा कि कदी ते थक के मेरे बनेरे ते बैठोगे अपनी मर्जी नाल अपने दिल विचों हां करोगे। जिंदगी दे आखिरी सां तक थोड़ा इंतजार करांगा आसरा जी। थोड़े अपने घर के कागजात ने थोड़ी अमानत मेरे वालों ये छोटा सा तोहफा समझ लो। हम जाओ मेरी गड्डी तुहानू हिफाजत नाल तुहाडे घर पहुंचाएगी। गशे मैं चाहवा तो तुहानू आप छड़ के आ सकता हां पर नहीं मैं तो तुहानू आप लैण वास्ते आवांगा। जी जोरी जी हां ऐसा करके अशरा जी नू लै जा ते हिफाजत नाल घर पहुंचा दे। चलो जी इस तरह के साडे खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो SHO सारा केस साडे ते पा देगा। चौधरी जी ना करया कर ना करया कर ना करया कर आन दे उन्हूं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। हाँ अजरा जी तुसी अगर चाहो तो पुलिस में बयान दे सकते हो कि मैं तुम अगवा किया जो कुछ भी करना है।
ਮਸੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਓ ਸਰ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ देर ना हो जाए राजीव की गल तुसीं हाली तक गए नहीं मैं पहल नहीं चुक पा रही मेरे पैरों में नसल नहाने वाली जंजीरें पै गई ने एक जंजीर बदनामी दी दूजी तेरी इन गल्लां दी मैं समझ नहीं आ रही मैं की करा नाले मेरी इन सारिया गल्लां सुनन दा शुक्रिया आज तो मैं चौधरी नहीं लगा एक इंसान लग गया और इंसान ही इंसान नाल प्यार कर सकता है कोई हर्फ नहीं आएगा मैं जिवे गई उस तरह वापस आई हां वो ते मैनू तेरे ते भरोसा है पर ये जड़े पिंड वाले सारे लोग मेरे ते लान ता पा रहे ने उन्होंने मैं की दसा की दसा की दसा की बाजी ओहो बाजी अब तुसी हौसला करो चल आजरा तू मेरे नाल खैर गल कर लांगे कल हौसला मैंने तो मनो हौसला करन जोगे भी नहीं छड़िया जिंदिया जी मार चढ़े जमीनों के खावर ने साड़े नाल कोई चंगी नहीं की चौधरी जी खावर का कुछ करना है कि नहीं अच्छा जी खावर का तो मैं ऐसा बंदोबस्त किया है बस वो शहर तो आने की देर है बस फिर तो बड़े खड़ाक होंगे चौधरी जी ऐसे खड़ाक होंगे बच्चा जी इस दफा तो खबर की तौबा ही करा देनी है अस्सलाम वालेकुम चौधरी जी वालेकुम सलाम हाँ भाई की खबर ने चौधरी जी खबर तो बुरी है
हुण की होया चौधरी जी? छिदा जेलों फरार हो गया। ए की कह रहे हैं? कितना पता लगा है? चौधरी जी अशरफ किसी बंदे नाल गल कर रहा सी ते मैं सुन रहा सी। मास्टर अशरफ फिर आ गए पिंडिश? अभी हम कोई पक्का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। ना करया कर मास्टर, ना करया कर। चोरी जी खाते च पैसे तो हैं ना, पर मैं समझना भी नवी जीप दे नालों खादा ने बी लेना है, दवाइयां लेनी है जी, होर सब खर्चे ने वो पहले कर लीए। अब्बा जी मैं जीप ऐसे सीजन च लैनी है। खबर मुंशी साहब ठीक कह रहे हैं, खाद बहुत जरूरी होंगी है फसलों वास्ते। तू अगले सीजन एक जीप ले ली। हाँ जी, हाँ जी। रफीक अबे जी मेहरबानी। खैरियत नाल ते आया ना? हाँ खा जी खैर ही है जी, पर की चाचा रफीक? अजरा घर आ गई जी। अच्छा हाजी जी, खैरियत नाल ते आई है ना? चाचा उन्हें कुछ दसिया? कुछ नहीं दसिया जी, बस यो कहती है जी कि जिस तरह मैं गई सा उस तरह वापस आ गई जी। ते आई कितों है? ये नहीं दसती जी। ठीक है तू हूं जा, मैं सवेरे आवांगा ते उहदे कोल पूछ लांगे। खां जी ये अजरा की इतलाह सारे नूं पहला मैं तुहानू दित्ती है जी, ये ख्याल रहे जी। तू घबरा ना, असी किसे नहीं दसांगे। मैं जावां जी? हाँ जा। सलाम है, सलाम है। अब्बा जी ऐ मैनू कुछ साजिश लगती जी। ठीक कहना है ना जी साहब, पिंड च असरा दे बारे बड़ी गल्लां हो रही हैं। मैनू भी पता लगा है पर समझ नहीं आउण डई। मैं तो सुनया कि रफीक ने तुहाडे इल्जाम लाया सी। उन्हें इल्जाम लाया सी वह भी परी पंचायत च, पर यकीन कर मैनू अदरा दा कोई पता नहीं जी साहब। वैसे असरा दे अगवा च किहदा हाथ हो सकदा है? मैं नहीं पता, इसलिए तो मैं रफीक नू समझाया सी कि तू अपनी धी नू दूजे पिंड पढ़ाण ना भेजा कर, पर उन्हें भी मेरी एक नहीं सुनी। जिहड़े छोटे बंदे हुंदे ने ना, इहनां दे ज़ेहन भी छोटे हुंदे ने, ज़रा देर नाल इहनां नू समझ आउंदी है गल दी। बहरहाल जो कुछ भी होया बहुत बुरा होया। मैं तो सोच रही हाँ रफीक बेचारे का की हाल होना है। की हाल होना? आखिर बंदे दीआं कीतीआं उहदे अगे ते आउंदीआं ही ने ना। जी सर ना, इस तरह ना कहो, असीं वी इक धी दे माँ प्यो, अल्लाह ना करे कल कला कोई साडी। बस बस हाजरा, इदू वध अपने मुँह चो कोई गल ना कढ़ी। मेरी औलाद वल जेड़ा भी बुरी अख ना वेखेगा मैं इस दुनिया चो दे दिन मुका देंगा। इन्ने दिन हो गए ना मैनू इत्थे आई नूं, अजे तक तुसी अपनी नूह नहीं विखाई मैनू। वैसे नरगिस जब तूनू वेखेंगी ना ते मन जाएगी कि खावर दी पसंद बहुत अच्छी है। भई ये ते वेखण तो बाद फैसला करांगे। अम्मी जान तुसी वेख लोगे ते आप ही खुश हो जाओ। पर भाई जान तुसी सानू साडी भाभी नाल मिलाओगे कदों? मेरी नूह बड़ी किन्ना होई? हट जा माता पास है। मैं तुहाडे कोलों नहीं पुछया, तू क्यों नहीं बोलदा? अच्छा नरगिस मैं जरा रफीक दे घरों आवां। अब्बा जी तुसी रफीक नाल चलियो, मेरा भी जरा पुछ लो। एक ही पुछ लेना, मसला की है? इत्थे एक रफीक साहब ने, उन्होंने बेटी है अजरा, स्कूल टीचर है, वो बेचारी अगवा हो गई सी। अगवा हो गई सी? ते फिर? वो राती वापस ते आ गई है पर कुछ दस नहीं रही अपने बारे च। क्यों? इस वास्ते तो मैं जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैं भी तुहाडे नाल चला। जी चौधरी जी, अज राती तहखाने च तू रोटी लेके जानी। ठीक है चौधरी जी।
इस काम में कोताही ना हो गए तो नाले इस गल का किसी होर नू पता ना लगे। जज साहब यह बंदा मर भी सकता है पर जुबान नहीं बोलेगा। शाबाश रे मिया शाबाश। अले चाबियां ते अज रात नू ठीक है चौधरी जी जा। अच्छा जी पूछते दस पुत्र। मैं तो जी आप पूछ पूछ के थक गया। की गल है कोई खौफ है बेटे? परेशान ना हो असी तेरे नाल। एक तूफान आया सी जड़ा के गुजर गया। तूफान तूफान ते अपने असरात छड़ के जाता है पर ये तूफान कोई भैड़ा असर छड़ के नहीं गया। मैं बिल्कुल ठीक हाँ नाले मैं हूँ आ गई हाँ तन फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं। उते ठीक है बेटे फिर भी पिंड वाले तरह तरह की गल्लां करदे ने। मैनू पिंड वाले की कोई परवाह नहीं। पसंद ते है ना तेरे बाप नू है पिंड वाले ने एदा एदी जिंदगी अजीरन कर दित्ती है। मंतव जी ये फिक्र लगी है कि जी अशरफ में इस गल का पता लगा तो वह की फैसला होएगा? जो भी फैसला होएगा मैं मंजूर है बाजी। जे उन्हें कोई पुठा सीधा फैसला करता तो फिर भी हो सकता है अल्लाह ताला दी जे कोई मर्जी हो। पर ये तेरे प्यो की इज्जत का सवाल है पुत्र। मेरिया होंद मेरे अबे की इज्जत से कोई हर्फ नहीं आ सकता। पुत्र वो तो ठीक है मैं तेरे ते पूरा भरोसा है पर फिर तुम फिक्रमंद क्यों होंगे हो अबा जी? फिक्र वाली गल है बेटे है ना असी असी इस पिंड च रहना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं किया कि पिंड वाले मेरे ते उंगला चुकन। एक मिनट मैं नहीं आनी। रफीक कोई गल है जरूर? शक ते मन भी पैंदा जी। एक ही साढ़े मकान के कागजात। मकान के कागजात पर ए, ए, तेरे को कि आए? मैं चौधरी वली मोहम्मद से पहले भी शक सी और वही गल हुई पर एक कागजात चौधरी वली मोहम्मद को सर ने पर उन्हें इनू किस तरह दे देते? रफीक तू एक काम करना है तू चौधरी वली मोहम्मद को जा किसे भी माने चुकरे दे माने ते पता करके कागजात अजरा को किस तरह आवे। ठीक मैं आज ही हवेली जाऊंगा। रानी हुण तू आपे वेख लै भी नसरीन नूं गया किन्ने दिन हो गए ना कोई इन्हों का पता ना कोई थां टिकाणा ना यह पता किन्ने दिनों वास्ते गई है। मैं भी गई सी उहदे बूए नूं ताला वज्जा होया सी। इन्हां दे ताले ही वज्जे रहने ने भागां वाले बूए जो होए इन्हां दे। सलाम चुगरानी जी। वालेकुम सलाम। आ गई है किधर गई सी इन्ने दिनों तो बगैर दस्सिया? ओ जी मैं अपने रिश्तेदारां वल गई हुई सी ते तुहानूं दस्सना याद नहीं रहा। वेख नसीन अगे तो रिश्तेदारां वल जाए ना ते कुड़िए दस के जाया कर। सच्ची गल है सानू काम की बड़ी तंगी होंदी है जी। अच्छा चुदानी जी मैं सुनिया कि अजरा अगवा हो गई सी। पता नहीं हो गई होनी है इल्जाम तो उन्होंने वे चौधरी और लाता पर वो तो वापस आ गई है। वापस आ गई है?
हाँ जी मैनू रहीमे ने दसिया सी। अच्छा मैं ते पता नहीं, चौधरी हुरी आंदे ने ते उन्हां कोल पुछनी है। चुदानी जी चौधरी शफीक किथे ने? चौधरी शफीक अपने डेरे ते हो रहे, क्यों खैर है? हाँ हाँ जी खैर है। तू बस करनी चल फिर इंज कर तंदूरी ता ते जाके रोटियां ला। जी अच्छा। चौधरी सचावल साहब तुम्हें